बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हैदर चौधरी फ्रॉम सियाल स्टेट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, मुहर्रम से पहले किया, नौवीं दसवीं मुहर्रम से पहले किया था, जिसमें आपको मैंने मार्केट की सिचुएशन से आगाह किया था और स्पेसिफिकली हमने टी ब्लॉक पे डिटेल जो है उस पर रिव्यू किया था। उस पर आपको उसके रेट वाइज जो लोकेशन वाइज आपको उससे आगाह किया था। आज मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा फेज एट की जो सी है, मार्केट की क्या सिचुएशन है। जब से वो हॉलीडेज गुजरे हैं 9-10 मुहर्रम के, तब से मार्केट में स्टेबिलिटी देखी जा रही है। जैसा कि हम उससे मुहर्रम से पहले जो से हम देख रहे थे, मार्केट में काफ़ी बूमिंग सिचुएशन थी, रेट जो से है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहे थे और काफ़ी फ्लक्चुएशन देखी जा रही थी। वो अब उसके टोटली ऑपोजिट है, मार्केट में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, जो कि हम समझते हैं कि ये बहुत बेहतर है मार्केट के लिए, सेलर के लिए भी बेहतर है और बायर के लिए भी बेहतर है। क्योंकि सेलर जो से हैं, मार्केट डे बाई डे अगर रेट इंक्रीज हो रहा हो, बूमिंग सिचुएशन हो, तो सेलर्स के लिए बहुत मुश्किल होती है कि चीज़ को कमिटमेंट पे बेचना। तो इसलिए जो उनसे बायर के लिए भी बहुत आसानी होती है कि मार्केट जब स्टेबल हो तो वो सही डिसीजन ले सकें। तो ये दोनों एंड पे जो उनसे है, ये काफ़ी बेहतर है कि मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, तो दोनों पार्टीज़ को इसका काफ़ी बेनिफिट होगा। तो बाकी हम अगर बात करें रेट वाइज कि रेट में कोई फ़र्क पड़ा है, तो रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रेट स्टेबल हो गए हैं वहाँ पर जहाँ पर रेट सेट हो चुके हैं। बाकी इसमें अगर मज़ीद अगर हम देखते हैं कि अगर तो स्टेबल मार्केट हो गई है उस रेट पे, इसमें अगर करेक्शन देखने में अगर आती है तो वो भी माइनर से करेक्शन होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। बाकी अगर इसमें आप पूछते हैं कि अगर इसका नेक्स्ट जो है इसकी इंक्रीमेंट कब होगी, रेट कब मज़ीद और इंक्रीज होने के चांसेस है, तो अब एक्सपेक्टेड है कि इससे जो उनसे अगर ज़्यादा रेट होते हैं तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जाएगी घरों की, तो साथ साथ रेट जो उनसे उसकी इंक्रीज़ होते जाएंगे। जैसे कि गैस का भी पता है कि गैस भी जैसे ही फेज रेट में आ गई, तो उससे भी रेट में काफ़ी फ़र्क हमें देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम बात करें इसके ब्लॉक वाइज, अगर आपसे बात करें तो एस ब्लॉक में जो उनका पीक रेट है, टॉप लोकेशन का जो प्लॉट है वो अराउंड 260-270 है, और लो बजट में अगर बात करें तो वहाँ पे तकरीबन 190 का पोजेशन प्लॉट, और नॉन पोजेशन जो उनका कुछ उसमें है बाउंड्रीज पे कुछ नॉन पोजेशन भी प्लॉट्स हैं, वहाँ पे तकरीबन 175-180-185 के अराउंड है प्लॉट। टी में बात की जाए, टी में जो उनसे जो पीक रेट है वो तकरीबन कुछ 3.5-3 है, 3.25 तक उसका जेन्युइन जो बाइंग रेट है वो है टॉप लोकेशन का प्लॉट। जो मिनिमम बात की जाए तो उसमें जो उनसे 2.25 है, और अगर नॉन पोजेशन भी इसमें कुछ प्लॉट्स हैं, कुछ एरियाज जो उनसे बाउंड्री पे हैं नॉन पोजेशन है, तो वहाँ पर अगर बात की जाए वो अंडर 2 है। और यू ब्लॉक की अगर बात की जाए, यू में जो उनसे है टॉप लोकेशन का प्लॉट, वो तकरीबन उसकी डिमांड चल रही है तकरीबन 3.5 तक है, और जो सा मिनिमम अगर रेट में हम जाते हैं तो उसमें तकरीबन आप नॉन पोजेशन में 190 के राउंड है, 185-190, और जो पोजेशन प्लॉट है वो 2.25 से कम नहीं है यू ब्लॉक में। वीव में भी सेम सिचुएशन है, सेम लोकेलिटी है, दोनों की आमने सामने है, चूँकि वी थोड़ा सा बड़ा है, और अगर हम उसकी बात की जाए उसकी जो बैक साइड जो है जहाँ पे एक साइड पे रिंग रोड आती है और दूसरी तरफ जो उनसे ग्रेवयार्ड आता है, उस साइड पे ज़रा रेट थोड़ा सा कम है, पोजेशन प्लॉट्स हैं वो भी वहाँ पे ज़रा रेट थोड़ा कम है, वहाँ 2 के राउंड है, 190-2 के राउंड है, और जो टॉप लोकेशन का जो पोर्शन है वी ब्लॉक का, वहाँ पर भी तकरीबन अब 3.5 डिमांड है। और डब्ल्यू ब्लॉक की बात की जाए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डब्ल्यू ब्लॉक में स्टार्टिंग से ही रेट काफ़ी ज़्यादा रहा है, और डब्ल्यू में तकरीबन आप कह सकते हैं 3.25 से 3.40, और अगर फेसिंग कमर्शियल है तो वहाँ पे कुछ 3.25, 2.20, 15, 20, 25, और जो गुड लोकेशन है, रीजनेबल लोकेशन है, वहाँ पे कोई 3.50 तक है, और टॉप लोकेशन जो सी है वहाँ पे कुछ 4 तक का रेट है, 4.25 डिमांड भी यहाँ पे डब्ल्यू ब्लॉक में चल रही है। बाकी अगर बात की जाए वी ब्लॉक एक्स ब्लॉक की,
एक्स ब्लॉक में जो सा जो पोजेशन प्लॉट है, जो पोर्शन लगता है डब्ल्यू के साथ, 400 की नंबर, 500 की नंबर, ये कुछ जो लेन्स हैं ये पोजेशन लेन्स हैं। यहाँ पे तकरीबन 3 की डिमांड है, लेकिन जो बाइंग रेट है वो 260 to 280 तक का रेट है लोकेशन वाइज। बाकी नॉन पोजेशन प्लॉट भी यहाँ पे 225 की आस्किंग है एक्स ब्लॉक में, एक्स और एक्स पे। वाई ब्लॉक की बात की जाए, वाई ब्लॉक में चूंकि इतना खास रेट वाइज फर्क नहीं पड़ा, जैसा कि जो बूम आया था फेज रेट में, जिस वजह से रेट काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। आप कह सकते हैं कि 5 to 8 million तक इसमें ऐड हुआ है फेज रेट में। उस दौरान वाई ब्लॉक में कुछ इतना खास फर्क नहीं देखने को मिला, उसका रेट एज इट इज़ वैसा ही है, तकरीबन प्लस माइनस में है। पाँच मल्ले की अगर हम बात की जाए, पाँच मल्ले का जो रेट है वो 40 to 55 है मैक्सिमम, और जो आठ मल्ले का है वो 80 to 90 है, और जो दस मल्ला है वो 90 to 110 तक है टॉप लोकेशन का प्लॉट। बाकी ये है करंट रेट्स और करंट सिचुएशन मार्केट की। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि स्टेबिलिटी मार्केट के लिए बेहतर है, स्पेशली इन पोजेशन फेज। ये पोजेशन फेज है, ऑलमोस्ट 90+% जो है इसमें पोजेशन है, और ये फेज रेट के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन टारगेटेड फेज रेट ही है, जेन्युइन लोगों के लिए भी जिन्होंने घर बना के रहना है, और बिल्डर हजरात के लिए भी जिन्होंने घर बना के सेल करना है। नेक्स्ट जो है टारगेटेड फेज रेट ही है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, क्योंकि फेज 5 और 6 ऑलमोस्ट अब फुल है, और अब नेक्स्ट जो उनसे टारगेट है वो फेज 8 है। तो इस वजह से स्टेबिलिटी मार्केट के लिए बहुत बेहतर है, सेलर के लिए भी फ़ायदा है और परचेजर के लिए भी फ़ायदा है। बाकी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डब्ल्यू ब्लॉक के हवाले से इंशाल्लाह स्ट्रीट वाइज और उसकी आपको सिचुएशन बताएंगे, कंस्ट्रक्शन बताएंगे, कितने घर वहाँ पर बन चुके हैं और वहाँ पर रेट्स क्या है, जो बाइंग रेट है वो वहाँ पर क्या चल रहा है इंशाल्लाह। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, नेक्स्ट जब वीडियो अपलोड होगी तो इंशाल्लाह आपको उसका नोटिफिकेशन भी रिसीव हो जाएगा। और इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो स्पेशली फॉर रिलेटेड फेज रेट, तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा मेरा नंबर भी दिया गया है, इस पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कुछ हजरात हैं, मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि जो ओवरसीज स्पेशली हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि वो ट्रांसफ़र पे पूछना चाहते हैं कि ट्रांसफ़र आया कि हो सकती है, वहाँ पे बैठे आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो जी हाँ, आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, वहाँ पे बैठे बैठे आप बाइंग कर सकते हैं। उस प्रोसेस के लिए आप मुझे मेरे दिए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको फाइल्स के हवाले से भी अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, 10 की और 13 की फाइल्स के हवाले से भी आप अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह गुड न्यूज़ है कि मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ आई है, मार्केट स्टेबल होगी तो इसमें जो उनसे है वो बिज़नेस अच्छा होता है, और ये फ़ायदा है हर एंड पे, ये फ़ायदा है। और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि आपको मैंने बताया डब्ल्यू ब्लॉक की इंशाल्लाह ब्रीफ, इसमें हम जो उनसे आपको असेसमेंट देंगे। और अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।